बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी हुकूमत टीवी चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा मौजू है, जो आज की हमारी टिप्स है, वो है मच्छर के काटे का इलाज। दोस्तों मच्छर आजकल गर्मी का मौसम है, तो मच्छर ही मच्छर है। रात को नींद हराम कर देता है जब इंसान सोता है, तो इसके काटे का जो दर्द है, जो इसकी तकलीफ है, जो इसकी जलन है, सारी रात इंसान को नींद नहीं आती, इतनी ज़्यादा शदीद दर्द होती है। तो दोस्तों इसके जो काटने की वजह से इंसान को अक्सर जलन, ख़ारिश, एलर्जी भी हो जाती है, सूजन भी हो जाती है। तो उसका मैं आज आपको उसका इलाज बताऊंगा। आपने इसको बना के घर में रखें, जब भी बच्चे को काटे, सियाने किसी बड़े को काटे, छोटे को काटे, तो आप इसका इस्तेमाल करके और आप रात को आराम कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, कफूर एक तोला लेना है, कत्था सफ़ेद दो तोला आपने लेना है, सिंदूर आपने छः माशा लेना है। इन सब को बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लें। उसके बाद आपने 50 ग्राम मक्खन लेना है, गाय का हो या भैंस का हो, किसी चीज़ दोनों में से किसी एक का हो। तो उसको आपने 100 दफ़ा पानी के अंदर इसको अपना धोना है। हर दफ़ा आपने नया पानी इस्तेमाल करना है, फिर आपने नया पानी डालना है, फिर आपने उसको तब्दील कर देना है, फिर इस तरह आपने कम से कम 100 दफ़ा करना है। उसके बाद आप इस मक्खर को और ये तीनों अज्जा जो है, मैं कफूर एक तोला और कथा सफ़ेद दो तोला और सिंदूर छः माशे जो पीसा हुआ आपके पास है, उसको इसके अंदर मिक्स कर लें। फिर आप जब भी रात को मच्छर काटे या मच्छर के काटने की जलन हो, तो आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको उसी वक्त जो दर्द का है वो आराम, मजे का सुकून होगा, आप आराम के लिए सो सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये टिप्स है, इसको बनाकर इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल करम से आपको शफा हासिल होगी। ये था हमारा आज का एक देसी टिप्स टूर का, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह ताला हम सब का हम मुनासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।